सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को लेकर। आप लोग देखोगे वारी रिन्यूएबल लगभग 3038 रुपये का इसका हाई है और वहाँ से आप लोग देखोगे कंटिन्यूसली फॉल स्टॉक में बन रहा है और 3038 रुपये से जो स्टॉक है वो आ गया है भाई 2088 की रेंज में। आज फिर स्टॉक में लोअर सर्किट लगते हुए नजर आया है और आप लोग देखोगे लगभग 52 वीक हाई से जो स्टॉक है वो 31% के करीब फिसल चुका है। जी हाँ, 31% की गिरावट स्टॉक में आखिरकार आ गई ऊपर के भाव से। और ऐसे में बहुत से निवेशक है जो फंसे हुए हैं स्टॉक के अंदर। आप लोग देखो रिजल्ट्स है वो भी आ गए, रिजल्ट्स उम्मीद से थोड़े से अलग हट के आए हैं। अभी देखो आप लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करोगे वहाँ पर बहुत अच्छे, मैं भी मानता हूँ 12 मंथ एंडेड में आप लोग कंपेयर करोगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पब्लिक को क्यू ऑन क्यू बेसिस पर चाहिए था, जो कंपनी के स्टॉक में ग्रोथ आई है ठीक है, उस हिसाब से वो रिजल्ट्स यहाँ पर पेश नहीं हो पाए ठीक है। और ये गिरावट हमें देखने को मिली। बीच में आप लोग देखोगे भी एक दिन स्टॉक में अपर सर्किट लगा था 2400 के आसपास ठीक है, और वो अपर सर्किट लगा क्योंकि उस दिन एक खबर आई थी कि MSCI इंडेक्स में जो ना भी ये कंपनी शामिल हो सकती है और लगभग 108 करोड़ का इनफ्लो आने की संभावना, और उसके वजह से स्टॉक में जो तेजी वो जरूर बनी थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में फिर गिरावट का जो सिलसिला है वो जारी है। और अभी के टाइम आप लोग देखोगे बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि इस शेयर में क्या करें। देखो भाई, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं है कि भाई हम गिरावट को रोक लेंगे, लेकिन जो यहाँ पर तेजी चली थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ये मैंने आपको कई बार समझाया, एक बार नहीं कई बार समझाया, 2500 के आसपास था, 2700 के आसपास, 2800, 3000 की रेंज में गया तब भी बोला था, लेकिन वही नेगेटिव कमेंट आने। अभी टाइम बोल रहे हैं अभी क्या करें, होल्ड नहीं, सेल नहीं हो रहा है ठीक है, LC लग जाता है। सुबह भी आप लोग देखोगे 2154 के आसपास था, कल भी यही बोला, पीछे जब इसमें तेजी बनी तब भी वही बोला कि देखो अगर आपको लगता कि हाँ बस पूरे इंडस्ट्री के अंदर यही एक स्टॉक है जो पीछे रिटर्न इसने दिए ना, इसी प्रकार से आगे भी रिटर्न देगा ये, तो भाई अपनी होल्डिंग हल्की कर लो ना, क्यों इतना रिस्क लेना है ऐसे स्टॉक्स में ठीक है। ऐसे स्टॉक में कभी भी इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, और जो रिस्क लेता है भाई वो देखो यहाँ पर फंसता ही फंसता है। और जब मैंने ये बातें बोली ना, रिस्क मत लो, इतना रिस्क नहीं है तो ये रिस्क है तो इश्क है, चलो भी कर लो अब रिस्क। तो चलिए अब देख लेते भी इसके जो चार्ट है उसके हिसाब से जो भाई फंसे हुए हैं, जो भाई साथ मिलकर काम करें, देखो भाई उनको तो पता है ठीक है ऐसे स्टॉक्स में, नहीं तो मैंने कभी उनको कहा कि फंसिए, और जिनको प्रॉफिट हुआ है अच्छी बात ही है भाई ठीक है, प्रॉफिट होना भी चाहिए, प्रॉफिट के लिए आते हैं सभी, लेकिन जो ऊपर से फंसे ना उनको पूछो अभी के टाइम क्या बीत रही है उनमें, 31% स्टॉक फिसल गया है। तो चलो चार्ट देखते हैं अब इसका। तो यहाँ पर देखोगे वन डे टाइम फ्रेम चार्ट निकाला है अभी, और वन डे टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि स्टॉक आप लोग देखोगे ये था भाई लगभग आपको दिसंबर के आसपास ठीक है, दिसंबर 2023 में स्टॉक 350 की रेंज में था भाई। क्या ही रेंज थी, 350 की रेंज में था, और 350 से आप लोग देखोगे स्टॉक पहुंचा 3000 प्लस, गया 3038 के आसपास, तो 300 रुपये वाला जो शेयर है वो 3000 जा रहा है, यानी कि 10 गुना रिटर्न भाई, 10 टाइम रिटर्न किसे बोलते हैं, वो इसने निकाल कर दिए हैं। और कितने दिनों में, 5 महीनों में ठीक है, 5 से 6 महीनों में आप लोग देखोगे 10 टाइम रिटर्न। उसके बाद आप लोग देखोगे भाई अगर ये गेम नहीं है तो क्या है, ये गेम नहीं तो क्या, इससे पहले क्या ये स्टॉक कभी लिस्ट नहीं था क्या, आज से ठीक आप लोग देखो पीछे 1 साल पहले का देखोगे, 2 साल पहले का चार्ट देखोगे, ऐसी तेजी तो कहीं पर नहीं देखने को मिली। और अभी टाइम ऐसा क्या उसको मिल गया, क्या इसको हाथ आ गया वारी टेक और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को, कि ये 3-4 महीने में आप लोग देखोगे इसने इतनी बड़ी ग्रोथ दे दी है यहाँ पर ठीक है, इतनी बड़ी ग्रोथ दे दी है, सभी अंधे हो गए इस ग्रोथ को देखते हुए। तो इसीलिए भाई जैसे स्टॉक चला ना ऊपर, उसी प्रकार से नीचे की भी तैयारी इसकी अब, और अभी जो नीचे आ रहे ना सभी को परेशान भी कर रहे हैं और करेगा, जब पीछे इतनी तेज़ी देखकर आपने कूदा ना इसके अंदर, आपने पैसा लालच देखकर पैसा लगाया है इतने लालची होकर, तो अभी टाइम उसका कामयाजा भी आपको भुगतना पड़ रहा है। तो अभी टाइम देखो 2000 के आसपास शेयर है, और 3800 से चांस इसके आप लोग देखोगे 50% क्रैश के, अभी 50% का जो क्रैश है वो हो सकता है, 31% स्टॉक टूट चुका है, बीच बीच में देखो भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टॉक है वो ऊपर जिस प्रकार से चला है वो बहुत ज़्यादा तरीका गलत था ठीक है। बहुत से भाई बोल रहे हैं कि ऑपरेटर गेम कहाँ पर इसको, बला 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 बला, अब देखो भी बला बला तो आपके सामने है, बला बला तो करवा रखी है इसने, जिस प्रकार से टूटा है ना ऊपर से, उस वहाँ से आप लोग देखोगे बहुत बुरी तरीके से 31% टूट चुका है, और अभी भी एक गिरावट जारी है, रुकी नहीं है, गिरावट जारी है। आप लोग देखोगे 1975 और 1600
30 का अगला सपोर्ट है, टिकेगा तब की बात है भाई, ऐसे निकाले जाओ सपोर्ट पीछे के प्राइस एक्शन, पीछे का जो प्राइस मूवमेंट है वो देख देख कर। तो ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। सेम वरीटेक है, उसमें भी यही हाल है भाई, क्या समझाएं क्या बताएं। तो ऐसे स्टॉक्स में प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। तो यहाँ पर जो सेलिंग का प्रेशर है वो हावी है बहुत ज़्यादा। इस लेवल के ऊपर एक मौका आई थिंक इसने दिया, अगर नहीं लिया तो भी वो आपकी मर्जी है, आप लोगों ने लालच किया होगा या फिर ऊपर में अपने होल्डिंग हल्की की होगी तो भी अच्छा। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल अब देखो भाई, ऐसे स्टॉक्स में कभी मत फंसना जहां पर नॉन स्टॉप सर्किट लग रहे हो, नॉन स्टॉप 99% वहां पर बड़ा गेम पाएगा ही पाएगा, ठीक है। आप लोगों के देखो, आप लोगों को ये जो दिखाया जाता है ना वो होता कुछ और उसके पीछे चल कुछ और रहते हैं, ठीक है। क्या कोई ये बताएगा कि हम यहाँ पर बड़ा ट्रैप है, इसके अंदर हम बड़ा ट्रैप दिखा रहे हैं आपको, आप लोग फंस रहे हो फिर भी? ऐसा कौन करेगा और कौन जाएगा फिर? अगर सब कुछ दिखा के करने लग गए तो आप लोग जाओगे क्या वहाँ पर? तो इसीलिए सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहे हैं और आप लोगों को ये सामने कुछ और दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए आपने देखा होगा अभी हर्ष गोयनका का बयान आया था पीछे, उन्होंने बोला कि जो कोलकाता है वहाँ पर बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, हर जो हर्षद मेहता और जो केतन पारेख का टाइम वो फिर से आ रहा है। तो उन्होंने जो कुछ बोला वो सोच समझ कर ही बोला है, कुछ ना कुछ उन्होंने देख कर ही बोला, तभी उन्होंने सेबी और फाइनेंस मिनिस्टर को टैग किया है। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में बिग गेम चलता है और वो आपको देखो भाई ऐसे नहीं देखने मिलेगा भी, सभी के सामने आपके सामने फिल्म चल रही है, हाँ ये इसके अंदर सब कुछ है, ये तो वहाँ पर कौन खरीदा रहा है, कौन फंसेगा? तो इसीलिए निवेशक फंसाने जरूरी है और ये फंस भी गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।